हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड फ्लेवर। फ्रेंड्स, आपने छोले तो बहुत खाए होंगे पर इस तरह से कभी नहीं बनाए होंगे, और जब आप एक बार इस तरीके से बना लेंगे तो हर दूसरे दिन इस तरह बनाने का मन करेगा। और स्वाद में इतने ज़बरदस्त होते हैं, और इनकी खास बात यह है कि 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। इसमें कुछ भी पीसने का झंझट नहीं होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 250 ग्राम छोले और इसे रात भर भिगो देंगे, और रात भर नहीं भिगोएं तो 6-7 घंटे के लिए इसे भिगो दें। इसके बाद इसे धोकर इसका पानी अलग करके इसको कुकर में डाल देंगे और इनमें पानी डालेंगे। पानी इतना हमें डालना है कि छोले अच्छे से डूब जाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही आसान और बेहद टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 आलू और 2 प्याज लिए हैं। इनको आपको काट लेना है, छोटे मोटे बड़े पतले कैसे भी प्याज आलू इसको पीसेस में काट लेंगे, और इन आलू और प्याज को हम कुकर में डाल देंगे। कच्चे आलू डालने से आपके छोले अच्छे गाढ़े भी हो जाएंगे, और कच्चे प्याज से एकदम मस्त चाइनीज़ वाला फ्लेवर आएगा, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आलू और प्याज ऐड किए हैं। तो है ना बिना पीसने वाले झंझट से आसान सी रेसिपी। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार होने वाली है। और अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक और 1/4 हल्दी पाउडर, और अब इसे ढक्कन लगा देंगे, और ढक्कन लगाकर मीडियम हाई फ्लेम पर 6 से 7 सीटी लेंगे। अब कुकर हमारा ठंडा हो गया है, इसका ढक्कन खोलेंगे। यह देखिए, छोले अच्छे से कुक हो गए हैं, अच्छे से मैश हो रहे हैं। अब हमारे 2 मिनट में टेस्टी छोले तैयार होने वाले हैं। यहाँ पर मैंने लिए 4 टमाटर और 6-7 हरी मिर्च, और अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे और इसमें थोड़ा सा किचन ऑयल डालेंगे, और इसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 1 छोटी चम्मच जीरा। इस समय आप हींग और करी पत्ते भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। अब इसमें जाएगी हरी मिर्च 4 से 5, आपको कम पसंद है तो आप कम डालें, वरना छोलों में यह बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इसमें जाएगी लहसुन अदरक बारीक कटी हुई, और इसे कुछ सेकंड के लिए चला लेंगे, और अब डालेंगे इसमें टमाटर कटे हुए और इसे चलाएंगे कुछ सेकंड के लिए, और अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच नमक, यह हमने छोलों में भी डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और अब इसमें डालेंगे 1/4 हल्दी पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और 2 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। 2 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे। यह देखिए, टमाटर अच्छे से कुक हो गए हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हरा धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कोई सा भी टेस्टी मसाला डालिए। मैंने यहाँ पर MDH का चना मसाला यूज़ किया है 1 चम्मच। इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। अब देखिए, ये अच्छे से पक गए हैं। अब आप यह कढ़ाई का मसाला कुकर में डाल दीजिए, या फिर कुकर के छोले इस कढ़ाई में डाल दीजिए, सेम बात है। मैं यहाँ पर कुकर वाले छोले कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दूँगी। आपको थोड़े से भी आलू दिखे हैं, आप उसे हल्के से मैश कर दीजिए। वैसे तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, अच्छे से मैश हो जाते हैं सीटी लगने से। और अब हम इसमें इमली का पल्प डालेंगे टेस्टी सा अच्छा फ्लेवर देने के लिए, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। वाले छोले थोड़े गाढ़े होते हैं, बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं करना होता है, पर बहुत से लोगों को पतला पसंद होता है, तो उस हिसाब से पानी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 1/2 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है, आप अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग डालें। और अब इसमें उबाल आने देंगे, और अब इसमें उबाल आ रहा है, हमारे ऑलमोस्ट छोले तैयार हैं। अब हम इसमें डाल देंगे फ्रेश बारीक कटा हुआ धनिया, और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पर कवर कर देंगे, और 2 मिनट के बाद इसका कवर हटाएंगे। यह देखिए, इसका कलर, इसका टेक्सचर। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कि छोले ग्रेवी से बिल्कुल अलग नहीं लग रहे हैं। बहुत से छोले ऐसे बनते हैं जिसे हमें छोलों को मैश करके ग्रेवी को गाढ़ा करना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, इन छोलों का एक सीक्रेट यह भी है, जो हमने आलू डाला था ना, उसने पहले से ही ग्रेवी को गाढ़ा टेक्सचर दे दिया है। और आप इसमें लास्ट में कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, उससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। इसे आप चना मसाला छोले, पंजाबी छोले, सिंधी छोले कुछ भी बोल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनते हैं। और इसकी खास बात है कि 10 मिनट में बन जाते हैं, उसका वो टेस्ट इतना अच्छा है कि आप हर दूसरे दिन इस तरह बनाना पसंद करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।